ये मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट की तरफ से स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में। हाँ, और कुछ ने शिकायत भी यही की कि आप लोग डबल कोटा के से फारे हो कि इस चीज़ की तरफ आप लोगों की तवज्जो नहीं है। तो पहली बात ये है कि अब ये बात बिल्कुल नॉनसेंस है, बेसलेस है। हम यकसा दोनों के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश ना हम आपको दिखाते हैं, क्यों क्यों ना हम आपके ऊपर अपनी इस मेहनत को आपके ऊपर बेचें। ना हम इसके लिए बैठे हैं कि हम इसके ऊपर ऑस्टिनेशन करके आपको दिखाएं कि ये देखिए हम क्या कर रहे हैं। नहीं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आपके लिए सिर्फ काम करते हैं, चाहे आपकी अप्रिशिएशन मिले या ना मिले, हमारा काम से ही लगन है। मौजू की तरफ आते हैं तो बात ये है कि HEC वालों ने जो कल हमने कहा था आपको जिस कमेंट में कि प्राइम मिनिस्टर की कमेंट बाकी है एक नहीं, यानी जिसे कहते हैं इसके बाद ये लेटर जाके HEC लेगा और HEC आगे इसको प्रोसीड करेगा। तो बात यह है कि HEC टाइम नहीं लेते, HEC ऑलरेडी आपके साथ एग्री हैं, इसके ऊपर सारा कुछ है HEC के साथ, लेकिन वो सिर्फ इसके लिए बस वेट कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर से कुछ इसके ऊपर कमेंट आ जाए और आगे HEC अपना काम शुरू कर देगा। सवाल ये है कि PM हाउस, ये PM का जो कोऑर्डिनेटर है, इसने आपसे इसके बारे में क्या कहा है? देखिए, PM के जो कोऑर्डिनेटर हैं बरकी साहब, उसने ये कहा है कि इंशाल्लाह 2-3 दिन आप सिर्फ वेट कर ले। आज हमारी खुद बात उनसे हुई है, उसने एग्जैक्ट हमें डेट दिया है, यानी इसने आप उसे अब ये समझे कि 2-3 दिन उसने दिए हैं कि इंशाल्लाह 2-3 दिन में जो दिन आपके लग जाएंगे इसमें, बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर के भी काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, मसरूफियात होते हैं। सो आप सिर्फ इतना कर लें कि 2-3 दिन सिर्फ वेट कर लें, और दो तीन दिन बाद आपको हम प्राइम मिनिस्टर की जो रिएक्शन है, जो कमेंट्स है इस लेटर के बारे में, हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई लेटर के साथ अब क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर के बाद। तो इसके बारे में स्टूडेंट सवाल पूछ रहे कि कब आ जाएगी, टेस्ट कब होगा। तो भाई जब तक लेटर ना आए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, आगे किसी कुछ नहीं कर सकती। तो उम्मीद तो यही है कि बस या इसी जनवरी के जो फर्स्ट वीक है, इंशाल्लाह लेटर वहाँ से आके HEC इस लेटर को लेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फरवरी के मिड में या आखिर में इंशाल्लाह टेस्ट भी कंडक्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो है नोटिफिकेशन HEC के बारे में, जो टेस्ट है कैसा होगा, किस में कौन सा टेक्स्ट इस्तेमाल होगा, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वो है सिलेबस है, निसाब है, इसके बारे में फिलहाल चीमा गोया करना मेरे ख्याल में एक मनगढ़ंत और गढ़ी हुई बातें होगी अगर हम आपके साथ शेयर कर ले। लेकिन पास्ट पेपर की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूएस टाइम का जो सिलेबस है, इनसे अक्सर MCQs आते हैं। तो बजाय आप इस चीज़ में वेस्ट टाइम को अपना ज़ाया कर ले, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर पास्ट पेपर के पेपर जो है इसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए। बाकी रही HEC, तो HEC में आपको दूंगा इंशाल्लाह 100% HEC होगा इस साल। ऐसा नहीं है कि HEC नहीं होगा, बिल्कुल हमारे साथ जो मिर्ज़ा साहब है, सारों की कोऑर्डिनेशन एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बन चुकी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में PM से ये लेटर आके सीधा HEC आके फिर आगे HEC अपना प्रोसेस शुरू कर देगा। तो ताहाल आप लोग प्लीज़ पर्सनल में मैसेज ज़्यादातर ना करें, ग्रुप में सारे चीज़ इंफॉर्मेशन अब क्यूरीज है वो शेयर कर दिया करें। और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब को पर्सनल में मैसेज ना करें, वो साहब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस चीज़ों से। आप इसको उस पर शेयर के कमेंट्स में दे दें, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी आप पर्सनल में प्लीज़ ज़्यादा मैसेज ना किया करें। और तीसरी बात जो है, धुरी साहब की बिल्कुल से अप्रिशिएशन होनी चाहिए। धुरी साहब ने ना सिर्फ डबल कोटा में इंतहाई अल्हम्दुलिल्लाह वो दी है, सपोर्ट दी फाइनेंशियली, बल्कि उसने जो HEC के लिए जो उन्होंने फ़ंड के लिए वो आपके यानी HEC के लिए जो फ़ंड दरकार थे, उसमें भी धुरी साहब ने बहुत अहम जो वो है वो अदा किया, किरदार अदा किया। और साफ़ी साहब जो है बजावड़ से, उसने भी HEC के फ़ंड में इंतहाई माशाल्लाह अच्छा वो दे दिया, जो उसका अपना हिस्सा बनता था बेहतरीन, उसने अपना शमा उस हिस्से में जलाया। सो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपडेट रहे, टेस्ट होगा इंशाल्लाह, सारा कुछ होगा। ऐसा नहीं कि निगेटिव बेस पे होगा, टेस्ट भी होगा, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ ये वेट करें कि जनवरी के पहले हफ्ते तक जैसे ही कमेंट्स आ जाएंगे तो मकसद मुझे इसको शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।